गुम है किसी के प्यार में हैज बीन अ बिग पार्ट ऑफ योर लाइफ, योर फैंस लव यू टू द जी 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 कोर। मैंने कुछ टाइम पहले, आई थिंक 1 month बैक और समथिंग, आई हैड डन एन इंटरव्यू विद आयशा एंड उसको मैंने पूछा था कि नील सर ने आपको कैसे गाइड किया था ड्यूरिंग द शो, एंड शी हैड ऑल द लवली वर्ड्स टू से कि अगर मेरे सामने मेरा को एक्टर अगर किसी लाइन या किसी सीन को लेकर फंसा हुआ है, तो अगर मैं हेल्प कर देता हूँ कि इसको इस तरह से कर सकते हैं, वी कैन डू द सीन लाइक दिस, सो आई थिंक दैट्स बिन माई जॉब एंड दैट्स वॉट अ गुड को एक्टर इज। ईशा को ये लग रहा है कि वो जिंदगी भर उस घर में ही रहने वाली, बाहर कभी आने नहीं वाली है। उसको लग रहा है जो आ रहा है मन में वो कर रही है। तो ये फेक कंसर्न क्यों दिखाया तूने अंकिता उस दिन च्यवनप्राश वाले टाइम पे? हाँ, तूने क्यों बोला कि यू वॉन्ट मी टू बी फाइन, ऑल्दो आई वॉज फाइन, बट तूने बोला, मैंने पॉजिटिवली लिया और मैं आगे बढ़ा, पर तुझे अभी भी वो क्यों पोक करते रहना उस चीज पर? हाय गाइस, दिस इज नील भट्ट एंड यू वॉचिंग मी ऑन द सनी जी शो बाय रोहित कंसल्टेंसी फर्म। तो शुभोजीत के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बिग बॉस के घर पे इनके बारे में बहुत बात हुआ। आई थिंक जो सबसे ज्यादा गुड बॉय थे, ऑफ कोर्स ही इज देयर एंड राइट नाउ एकदम छाती फाड़ के निकले हैं शो से। यू कैन सी दैट ब्रॉड मैनली चेस्ट, छाती ज्यादा लंबा हो गया, बड़ा हो गया आपका हाउस के बाहर। ये सबसे अनोखा इंट्रोडक्शन आई रहा आई है। हैव टू आई एम ऑलवेज द मोस्ट अनोखा। यस यस यस, थैंक यू पहली बात तो इस इंट्रोडक्शन के लिए। एंड आई थिंक आपके जिंदगी में आपको हर एक वो काम ऐसा करना चाहिए जिसमें आपकी छाती और चौड़ी होती जाए। बिल्कुल तो बिल्कुल आई थिंक मेरी जब जिंदगी का मोटो ये है, तो आई थिंक वैसे ही हुआ है मेरे एंड साथ। आपका सिर्फ आपका नहीं, आपके जो यू नो डाई हार्ट फैंस है उनका भी छाती चौड़ा हुआ है बिकॉज ऑफ द कंपोजर दैट यू हैव शोन। एंड माय क्वेश्चन इज इंटरकनेक्टेड टू दैट। एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट नील एंड हिज कंपोजर कामनेस, बट आई थिंक द मोस्ट अग्रेसिव साइड ऑफ नील वॉज शोन वेन अनफॉर्चुनेटली ऐश्वर्या बाहर निकली एंड यू हैड एन लिटिल बिट ऑफ ऑल्टरकेशन विद ईशा उस टाइम पे। उस टाइम पे मोर देन अ कंटेस्टेंट ऑफ बिग बॉस आई सॉ द हस्बैंड इन नील केम आउट, इज दैट करेक्ट? योर इमोशंस वर वेरी हाई। ऑब्वियसली उसमें कंटेस्टेंट कैसे दिख सकता है? एक एज अ कंटेस्टेंट आई वुड बी हैप्पी ना कि एक कंटेस्टेंट कम हुआ, करेक्ट बट एट द सेम टाइम आई वॉज फीलिंग द पेन वॉट ऐश्वर्या मस्ट हैव फेल्ट जैसे ही वो, बिकॉज जब से वो गई ना, तो मुझे बस उसका वो स्माइलिंग फेस और वो स्लाइडिंग डोर नजर आ रहा था हर जगह पे। वो वही चीज नजर आ रही थी और मुझे मेरे अंदर इतना गुस्सा भरा हुआ था, क्योंकि देखो शो में आना और जाना एक फॉर्मेट है, करेक्ट वो होना है, बट एट द सेम टाइम वो फेयर हो तो ठीक है, ऑन क्राइटेरिया बेसिस हो वो भी ठीक है। आपने आउट ऑफ क्राइटेरिया बेबुनियाद तरीके से ऐश्वर्या को निकाला है शो में से, और आपने क्या बोला कि कोई रिश्ता ही नहीं था, कभी बनी ही नहीं, इतना झूठ आप ब्लेटेंट लाए कैसे कर सकते हो जबकि पूरी ऑडियंस देख रही है आपको? क्या फील कर रहे सभी लोग, क्या ऐश्वर्या फील कर रही है? क्योंकि आप शायद ईशा को ये लग रहा है कि वो जिंदगी भर उस घर में ही रहने वाली, बाहर कभी आने नहीं वाली है। उसको लग रहा है जो आ रहा है मन में वो कर रही है, जहां पर उसको लग रहा है बाहर की कोई दुनिया नहीं है, जिंदगी भी नहीं है, उसको ये समझ में नहीं आ रहा उसको यहीं पे बाहर आना है, उसको यहाँ पर वो रिश्ते नहीं दिखेंगे कभी भी, बिकॉज नोबडी इज गोना ट्रस्ट हर इफ शी कैन डू दिस ओवर देयर। लाइफ में कोई कैसे कोई ट्रस्ट करेगा? बिल्कुल सर, मुझे बताओ आप, यू नो लॉट ऑफ स्टफ हैज ऑलरेडी बीन स्पोकन अबाउट, आपको इसके बारे में क्या लगता है, विल टॉक अबाउट दैट एज वेल, बट मुझे नील भट्ट के बारे में जानना है कि जब आप घर पे थे, दैट वन मोमेंट जो आपको याद आता है कि आप एकदम टूट गए थे, एंड ऑफकोर्स लाइक इट कुड बी अ मोमेंट वेन ऐश्वर्या वॉज इन द हाउस, इट कुड बी अ मोमेंट वेन ऐश्वर्या वॉज नॉट इन द हाउस, इफ दैट वॉज द केस दैट इज इवन वर्स बिकॉज आपको संभालने के लिए वैसे कोई था नहीं। सबसे कौन सा मोमेंट याद आता है जिसमें आप कंप्लीटली टूट गए थे? फॉर्चुनेटली ऐसे मोमेंट्स मेरे पास ज़्यादा नहीं थे, टच वुड ज़्यादा से ज़्यादा एक ही था जो जो आपने मेंशन किया, ऐश्वर्या जब गई थी उसी रात वो एक मोमेंट था जब मैं थोड़ा सा आई फेल्ट लो, एंड उस वक्त डिड यू मैंने स्लीप दैट नाइट? यस ऑफ कोर्स आई स्लेप्ट, एंड एक हमारा पिलो है जिसपे हम दोनों का फोटो है, जो हमने प्री वेडिंग वीडियो का एक वो फोटो था उस पर वो रखा हुआ था, तो मैं उसको हक करके सो गया था बस। सो आई थिंक वही एक मोमेंट था मेरे लिए जहाँ पर मैं लो था, और मेरे लोग जो जो मैं जिन्हें मैं अपना कहता हूँ
वो सारे आए थे मेरे पास एंड दे जस्ट केम एंड जस्ट टैप्ड ऑन माई शोल्डर, नॉट नेसेसरी सिट एंड टॉक. उसमें से एक अंकिता भी आके बोल के गई थी, नील आई रियली विश यू अ फाइन, ऐसे आके मुझे हक करके गई. मैंने उसको थैंक यू बोला, बट डिड यू फाइंड दैट जेन्युइन या नो, आपको फेक लगा? जेन्यून नहीं लगा मुझे. उसका रीज़न है, जेन्यून नहीं लगा. और उसमें मैंने तभी उनको थैंक यू बोला, लेकिन उनके जाते ही आयशा बैठी थी, तो मैंने ये बोला कि आपने मुझे सांत्वना दी, पर मैं आपको अपने अपना नहीं मान सकता, आपको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी चीटिंग की वजह से ईशा कैप्टन बनी, और कैप्टन बनने के बाद उसने ऐश्वर्या को निकाला. तो इट्स ऑल इंटरकनेक्टेड. शुरुआत आपसे हुई, और मैं आपको कभी माफ़ नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए. तो दैट्स वाई आई कांट एक्सेप्ट इट. एंड जो जेन्यून नहीं लगा वो इसलिए क्योंकि वो उन्होंने उस वक्त दिखाया अपना जो भी कंसर्न, फिर अगले दिन सुबह दिखाया कंसर्न, फिर उसी शाम को जब च्यवनप्राश वाला वो हुआ था, प्रमोशनल हुआ था, उसमें उन्होंने बोला कि आप आ, आ, आपकी गेम मुझे थोड़ी सी स्लो लग रही है, लो लग रही है, एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल बिकॉज ऑफ ऐश्वर्या के जाने की वजह से आप थोड़े से लो हो. मैं उनको जवाब देना चाह रहा था, पर मैं चुप हो गया. आई वॉज लाइक ठीक है कोई बात नहीं, आई टेक इट पॉजिटिवली एंड आई कम बैक स्ट्रॉन्गर. मैंने ये बोला था और मैं वहाँ बैठ गया. फिर अगले दिन जब कैप्टनसी की बात आई थी, तब उन्होंने फिर से अपना सही रूप दिखाया कि तूने क्या कहा था, तू विकी और अंकिता को नहीं बनने देना चाहता कैप्टन, क्योंकि डिजास्टर हो जाएगा. अब कहाँ गया तेरा सब कुछ, बता ना, झूठ बोलता है, सामने बोलता ना. मैंने सामने ही तो बोलो, तब तो पता चला है तुझे. आई हैव टोल्ड यू ऑन योर फेस दैट तुझे कैप्टन नहीं बनना चाहिए. कैप्टनसी वाला जो एप्पल वाला कैप्टनसी टास्क था, उसमें मैंने मुंह पे बोला था कि इन दोनों को नहीं बनना चाहिए, मनारा को मैंने ये चीज बोली थी. हु आर यू सपोर्टिंग, किसको करेक्ट. सपोर्ट कर रही है? तो मुंह पे ही तो बोल रहा हूँ, और कहाँ से बोल रहा हूँ. और बाद में मैंने बोला कि अच्छा हुआ चली गई, उसने बोला अच्छा हुआ चली गई ऐश्वर्या, ये सब चीजें उसने बोली थी. तो मैंने अंकिता बोला का रंग था जो था एक दिन के अंदर बदल गया. एग्जैक्टली. तो मैंने तभी उसको मैंने बोला था, तो ये फेक कंसर्न क्यों दिखाया तूने अंकिता उस दिन च्यवनप्राश वाले टाइम पे? हाँ, तूने क्यों बोला कि यू वॉन्ट मी टू बी फाइन, ऑल्दो आई वॉज फाइन, बट तूने बोला, मैंने पॉजिटिवली लिया और मैं आगे बढ़ा, पर तुझे अभी भी वो क्यों पोक करते रहना उस चीज पर? हाँ, वो चली गई है, तू क्यों बात कर रही है ऐश्वर्या के बारे में? मुझे जिस भी तरीके से बात करना होगा करूंगा, मेरी पत्नी है, तू क्यों बात कर रही है? हु इज शी टू यू, बता. करेक्ट तो करेक्ट. कुछ जवाब नहीं था उसके पास. यू नो, मुझे आप बताइए, अनदर पर्सन हु इज टेकिंग थिंग्स वेरी पॉजिटिवली डिस्पाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स, उसके भी यू नो पीपल कैन डिबेट कि उसके भी गलती वगैरह है, इज अभिषेक. बट कुछ भी हो जाए, एंड आई कैन सी दैट ऑन कैमरा माई सेल्फ, कि मेंटल हेल्थ को रिलेटेड मॉकिंग इज एब्सोल्युटली नॉट कूल, बिकॉज उस इंसान के साथ क्या होता है वो खुद ही जानता है. नो बडी कैन अंडरस्टैंड दैट पेन. एज समबडी विथ होम अभिषेक हैज जेन्युइनली बॉन्डेड एंड कनेक्टेड, कभी वो आपके पास आके अलग से रोया और बोला कि भाई मुझे यहाँ से शायद निकलना है, बिकॉज आई एम नॉट, इवन इफ आई वॉन्ट टू विन बिग बॉस आई कांट हैंडल द प्रेशर एंड ड्रामा, कभी वो टूट के ऐसा कुछ बोला आपको कभी उसके अभिषेक ने? हाँ टूटा है, काफी चीजें बोली है, लेकिन उसने कभी ये नहीं बोला कि मुझे घर जाना है. उसने हमेशा से इज अ ये स्ट्रॉन्ग बोला, गाय दैट ये वे. स्ट्रॉन्ग गाय दैट वे, बट उसने हमेशा से ये बोला भाई हैज ही बहुत क्राइड इन बड़ा है, फ्रंट ऑफ यू? लॉट ऑफ टाइम्स, लॉट ऑफ टाइम्स. और उसने हमेशा से ये बोला कि भाई बहुत टफ हो रहा है, बहुत क्या हो रहा है यार, ये घर क्या है, ये ही टोल्ड मी लॉट, ये चीजें लाइंस बहुत बार बोल चुका है, बट नेवर के मुझे भाई घर जाना है. उसने बोला कि भाई ये जब तक हूँ मैं तब तक मैं लड़ूंगा, मेरे जो फैंस हैं मेरे, जब तक है मेरे साथ मैं लड़ूंगा, लड़ना चाहता हूँ. इन लोग को पोकिंग करनी है, मैं जवाब दे दूंगा. मैं उसको यही बोलता था, कुछ जवाब दे, चिल्ला मत, डोंट फाइट विद देम, दैट्स वॉट दे वॉन्ट, मत करो. यही वो करना चाह रहे हैं, इनका इनका दिखने दे, तू मत कर. मैं उसको यही समझाता था. एज फार एज गेम इज कंसर्न, जो आपने बोला, जो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल हैव ऑब्जर्व्ड एज वेल, कि समर जो उनके साथ लड़ते हैं, जितना मैंने देखा है, हालांकि मैंने भी सब एपिसोड्स कभी कभी बीच में मिस हुए, बट जितना मैंने देखा है 9 out of 10 times, अगेन आई से दैट ऑन कैमरा, आई हैव सीन समर्थ यू नो काइंड पोकिंग, ऑफ पोकिंग अभिषेक, एंड अभिषेक रिएक्टिंग टू इट. यू नो यस, बिकॉज बाद में जाके समर्थ जब निकलेगा आई शूट अ कॉन्टेंट विद हिम एज वेल, बट आई वॉन्ट दिस टू बी ऑन रिकॉर्ड बिकॉज दैट्स वॉट माई ऑब्जर्वेशन इज. एज समवन हु हैज बीन इनसाइड द हाउस उस टाइम पे, बीइंग समवन हु केयर्स फॉर अभिषेक, आपको कितना शायद मन करता था कि आप रिएक्ट करके कुछ बोलो समर्थ को, बहुत ज्यादा बचा था, रुक जाते थे बिकॉज इट वॉज देयर मैटर एंड ऑफकोर्स ईशा ही ने. ऑफ कोर्स उनका मैटर है, मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, पर जहां ऐसा लगता था कि वो मेरा नाम लेके कुछ बोल रहा है कि देखो आपके आपके गुरुजी भी कुछ नहीं बोल रहे, तो तब मैं बीच में आके बोलता था कि बेटा जितना मुझे बोलना है मैं बोल दिया, तू अपना काम कर, निकल यहाँ से. बिकॉज उसके मुंह लगना मतलब क्या है कि वो, उसको तो अपना लेवल पता ही नहीं, वो तो गिरता ही जाएगा, वो दुम चल्ला ईशा का, वो बोलता ही रहेगा जो बोलना है. आई नो माई लेवल, आई एम नॉट गोना फॉल डाउन टू हिज लेवल. मैं उसको ऐसी ऐसी चीजें, मैं आर्ग्यूमेंट करूंगा ही नहीं उसके साथ.
ऐसे बदतमीज लोग जब आप रास्ते पे देखते हो तो आप क्या करते हो, हटे निकल जाते हैं आप वहां से, वही करेक्ट। सेम चीज है। जब आप घर से एलिमिनेट हुए एंड जब आप घर गए, ऐश्वर्या से मिले, व्हाट वाज द फर्स्ट कॉन्वर्सेशन? व्हाट वाज इट इमोशनल? आप दोनों रोए बिकॉज इट वाज अ जर्नी दैट यू बोथ स्टार्टेड टुगेदर, एंड ऑफ कोर्स एक ही वीक के अंदर दोनों का भी खत्म हुआ, बट वे यू इमोशनल, ऑल टीयर्स, क्या था माहौल घर पे? नहीं अभी फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आँख से आंसू नहीं निकला है मेरा आने के तो नहीं निकले, वही बाद अच्छी बात है। तो गया, हक किया, मॉम डैड ऐश्वर्या को हक किया, मेरी बहन से बात की, बातें की बहुत सारी हम लोगों ने। एंड आई एम श्योर, आई थिंक आपसे ज्यादा वो उदास होंगे, बिकॉज जब वो निकली थी, एविक्ट हुई थी, शी वॉज लाइक, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं निकल गई हूँ, मेरा नील आके जीत के आए बस वो। यस सो आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि शी मस्ट हैव बीन अ लॉट मोर अपसेट देन यू योरसेल्फ। हाँ, एक डिसहार्टनिंग फीलिंग थी उसमें कि, और मेरे अंदर भी थी, मैं जाना चाह रहा, मैं बदला लेना चाह रहा था, सभी चीज़ों का बदला लेना चाह रहा था, ये सबका नील बदला लेगा ये पैसा ये मैं नील राइट लेना चाह रहा था, ना। बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो पाया। आई होप जस्टिस बट प्रिवेल्स यू इन नेवर सम और द नो, अदर वे। यू नेवर नो, अगर कुछ अभी भी मौका आए, यू नेवर नो, बिग बॉस के घर पे कुछ भी हो सकता है। अगर पता आपको नहीं। बोले कि भाई नील, यू नो, यू गो आउट देयर एंड देन कॉन्कर ऑल योर कॉन्क्वेस्ट, एंड जितना भी आपके साथ तो गलत हुआ जाएंगे अगर अंदर, जाओगे एकदम फार के आओगे एकदम आने तो दो पहले, तब जाएंगे, तब सोचेंगे। बट यस, आई वांटेड टू टेक द बदला ऑफ सो मेनी थिंग्स, एंड मुझे पता है मुझे देखकर वहां पर इतने शॉक्ड होंगे ये लोग। उदास हो जाएंगे, मुंह उतर जाएगा, दैट इज व्हाट आई कैन से। बट भाई आपने एक चीज कहा था आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम द हाउस कि विकी जैन जो है उनका शक्ल आप आगे जाके कभी देखना नहीं चाहोगे। ऑफ कोर्स द रिलेशनशिप और फ्रेंडशिप और यू नो एक्वेंटेंस वाला बॉन्डिंग जो भी था एक टाइम पे था, आप लोग रियलिटी शो में भी थे, कट टू नाउ व्हेन थिंग्स हैव कंप्लीटली चेंज्ड, ऑफ कोर्स फॉर रीजंस बेस्ट नोन टू बोथ ऑफ यू। यस ये क्या एंड आपको टू लगता है एवरीवन, कि, बिकॉज सबके सामने हुई है वो हाँ, बट चीज़। आपको क्या लगता है कि विकी कैंट से भी सेम चीज है? आई थिंक सो, बिकॉज वो मैंने ये सुन लिया था, और आई थिंक ऑडियंस को पता नहीं वो दिखा है कि नहीं दिखा है। मैं था दिल के कमरे में और वो था दिमाग के कमरे में, और उस वक्त अंकिता वहाँ उसके साथ बैठी हुई थी, उसके साथ ये भी अनुराग, अरुण और सभी लोग बैठे हुए थे। एंड उस वक्त उसने ये चीज़ बोली थी, अनुराग ने पूछा, दे वर ऑल आस्किंग कि बाहर जाके कौन किसको फॉलो करेगा, किसका क्या आईडी है वगैरह वगैरह। तो ये पूछा विकी से कि आप विकी भाई आप क्या करोगे? तो उसने बोला, जो जो है आप लोग तो उन सबको फॉलो कर ही लूंगा, और जो नहीं है, जैसे जो आपने जिसको पहले से फॉलो किया हुआ है, नील भाई का क्या, अनफॉलो, उसको कौन रखेगा? और हंसने लगे सब लोग। उसने ये चीज बोली थी, ये चीज मैंने सुनी Were you थी। hurt? ऑफ कोर्स नॉट, मुझे रियलिटी पता है ना, आई डोंट गेट हर्ट इजीली। मुझे आई That's आई आई अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ अ पर्सन, तो आई नो कि वो कहाँ से आ रहा है, क्या बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। सो या, आई मीन, इट डजंट मैटर। एंड सर एक सवाल आपको पूछना चाहूंगा लास्ट, विच इज नॉट रियली रिलेटेड टू बिग बॉस ऑफ कोर्स। गुम है किसी के प्यार में हैज बीन अ बिग पार्ट ऑफ योर लाइफ, योर फैंस लव यू टू द जी 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 कोर। मैंने कुछ टाइम पहले, आई थिंक 1 month बैक और समथिंग, आई हैड डन एन इंटरव्यू विद आयशा, एंड उसको मैंने पूछा था कि नील सर ने आपको कैसे गाइड किया था ड्यूरिंग द शो, एंड शी हैड ऑल द लवली वर्ड्स टू से कि देयर वाज अ टाइम व्हेन शी वाज नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट हर डायलॉग्स वगैरह एक्सेट्रा, आपने उसको मोटिवेट किया था। जी आई एम श्योर यू मस्ट हैव ऑल्सो सीन हर कम अ लॉन्ग वे फॉरवर्ड इन हर करियर, डू यू वॉन्ट टू से समथिंग टू दैट कॉमेंट ऑफ हर्स जो उसने आपके बारे में टाइप मैंने, करा? रही बात उनको अगर मोटिवेट करने की, तो मैं सबको ही मोटिवेट करता हूँ, बिकॉज दैट्स हाउ आई हैव बिन बिल्ट। ये मेरी अपब्रिंगिंग रही है, ये कभी भी किसी को नीचे उतारना मेरा काम नहीं रहा है। तो अगर मेरे सामने मेरा को एक्टर अगर किसी लाइन या किसी सीन को लेकर फंसा हुआ है, तो अगर मैं हेल्प कर देता हूँ कि इसको इस तरह से कर सकते हैं, वी कैन डू दिस सीन लाइक दिस, तो आई थिंक दैट्स बिन माई जॉब, एंड दैट्स वॉट अ गुड को एक्टर इज, कि आप अपने को एक्टर का काम एलिवेट करते हो, एंड दैट्स वॉट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर ये चीज़ अक्नॉलेज हुई है, ये चीज़ फील हुई है, She has told that to me in my interview सो आई with a lot फील of हैप्पी, respect. एंड दैट्स एग्जैक्टली आई एम सेइंग। आपका एफर्ट अगर कोई अक्नॉलेज करता है तो अच्छी ही बात है, एंड ये मैं हमेशा आगे रखूंगा जारी अपने काम में, कि मैं चाहूंगा कि मेरे कोई सीनियर्स है वो मुझे आके कभी सिखाए, तो सेम विथ मी, अगर मैं किसी को अगर हेल्प कर सकूँ, सिखा सकूँ, तो इट विल बी ग्रेट। मे दैट बी हर और एनी वन फॉर दैट मैटर।
Thank you so much, sir. You might not have won the show, but then you won the respect of millions of people. And I hope whatever project that you do आगे जाके becomes major major success. एकदम फराटेदार. That is what I can say. सब थोड़ा OTT होता है मेरा energy, excitement, wish भी थोड़ा OTT है. But thank you so much, guys. That was Neil Bhatt for all of you. That's a wrap on the Sunny Ji Show by Rohit Consulting Firm. This is your host Shubhojit. Brilliant episode, brilliant shoot. Support करो Neil sir को in everything that he does because he loves you all and you all should love him as well. Thank you so much. God bless. Take care. Stay safe. And thank you. Thank you.